जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। तो अभी हम आए हैं जयपुर के एक हाईवे पर, आप देख सकते हो। तो आज हम करने वाले हैं अपनी बाइक की, अपनी कॉन्टिनेंटल GT 650 की फर्स्ट से फोर्थ गियर तक टॉप स्पीड कितनी जाती है। फर्स्ट गियर की टॉप स्पीड क्या रहती है, सेकंड की क्या रहती है, थर्ड की क्या रहती है, फोर्थ की क्या रहती है, तो ये सारी टॉप स्पीड हम चेक करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स गो गाइस। इग्निशन ऑन कर दिया है और ऐसे में हमें सेफ राइड करनी चाहिए, तो ग्लव्स वगैरह पहन के आज मैं अपनी जैकेट वगैरह पहन के एकदम रेडी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बाइक को और एक कोल्ड स्टार्ट दे दिया है बस। तो दोस्तों शुरू करते हैं और अब फर्स्ट गियर से लेके फोर्थ गियर तक टॉप स्पीड देखते हैं कितनी जाती है। रूट देख लेते हैं, बस ये ट्रक निकला और हम लॉन्च करने वाले हैं अपनी बाइक को। तो चलो फिर लॉन्च करते हैं। ऑन माई काउंट 3 2 1 लेट्स गो। फर्स्ट गियर 60 100 3rd। तो दोस्तों यहाँ पे आप ट्रैफिक देख सकते हो कितना ज्यादा है। गाइस मैंने गियर चैलेंज का एक राउंड पहले कर लिया था, मैंने सोचा एक राउंड और करना चाहिए मुझे, बट मुझे इतना ज्यादा ट्रैफिक मिला ना पीछे, तो मैं परेशान हो गया उसमें। बाकी मैं एक राउंड और करूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ इस ट्रैफिक से बच के कैसे निकलूं, क्योंकि अगर इस लेन में भी जाना है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। एक काम करता हूँ, सीधा आगे और जाता हूँ थोड़ा, जहाँ मुझे ट्रैफिक कम मिलेगा तो वहाँ पे एक राउंड और करना है मुझे। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, आज वेदर भी ठीक नहीं है, धूप निकली हुई है, कड़ाके की धूप एकदम, तो पसीने में लथपथ हो चुका हूँ। मैं जैकेट और पहन के आया हूँ। बहुत से लोग तो यही देखते हैं कि यार इतनी गर्मी में भी जैकेट पहन रखा है, ये पागल वागल है क्या। तो चलो अब आगे खाली रोड मिलते ही हम वापस से एक राउंड और करने वाले हैं, देन इस वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं। तो यहाँ रेडी होते हैं हम। अब आगे मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है कि हाँ मैं टॉप स्पीड चेक कर सकता हूँ, तो न्यूट्रल कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब जाते हैं वापस फोर्थ गियर, एक राउंड और करना है हमें, तो निकलते हैं अभी बस। 3 2 1 स्टार्ट लॉन्च। 60 सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, दोस्तों फर्स्ट गियर का टॉप स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर, देन सेकंड गियर जो था वो था 100, एंड थर्ड गियर जो था वो था 120, एंड फोर्थ गियर जो था वो था हमारा 140। अगर ऐसे ही मैं फिफ्थ गियर जाता तो आई थिंक वो 170 अराउंड चला जाता, और मैं इसके बाद अगर मैं सिक्स्थ गियर पे जाता तो टॉप स्पीड आई थिंक हमें 180 प्लस देखने को मिलती, और जो इसकी टॉप स्पीड बताती है रॉयल इनफील्ड। तो आज का गियर चैलेंज हमने कंप्लीट किया, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस बाइक का ये वॉबल भी अच्छा लगता होगा। तो एक बार हम रुकते हैं यहीं पर ही बस साइड में और कंप्लीट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों गियर चैलेंज भी हमने कंप्लीट कर दिया है, और आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम हमारी बाइक के साथ और कौन से व्लॉग्स बनाए जो आपको चाहिए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हेलो, बढ़िया, यस, यूट्यूब पे चैनल है अपना, हाँ आपने भी स्टार्ट किया है मोटो व्लॉग ही, बाइक का ही मोटो व्लॉग चैनल है मेरा भी, आप देख सकते हो यूट्यूब पे, सौरभ मीना व्लॉग्स लिखो ये चैनल है। स्क्रीनशॉट ले लिया है आपका। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अभी हमें ये एक भाई मिल गए थे तो हमसे बात करके गए हैं, इन्होंने बताया कि इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो हमने थोड़ी बहुत बातें की। अभी देखो वो भी राइड करते हैं तो स्पीड से लेके जा रहे हैं, बट सेफ्टी गियर ज़रूरी है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, गियर चैलेंज अच्छा लगा होगा, मेरी राइड अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा यार। तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। सो साइनिंग आउट, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, राइडिंग सेफ, पीस आउट गाइज, बाय।